नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश रोंटा सर, मैं खनेटी बैली से सर, और नंदौरचर के नाम से सर मेरे को लोग जानते हैं यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे लोग हिमाचल में सर नंदौरचर के नाम से जानते हैं सर। और मैं 50 बीघे में खेती कर रहा हूँ सर, और पिछले 15 सालों से सर बगीचे का काम, देख रेख वगैरह सारा जो कुछ भी होता है वो सब मैं देख रेख करके खुद करा रहा हूँ सर। तो 15 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है बगीचे में का, उसमें आपको क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्या क्या परेशानियां आई हैं, कुछ शुरुआत में क्या दिक्कत आई? बागवानी में सर ऐसा है कि बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं सर बागवानी में, तो ये तो फेस करने ही पड़ते हैं सर। सेब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर जी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अगर आप इसको सही तरीके से काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सर जी। अब लोग आपका, जैसे आपका प्रोनिंग करते हैं, प्रोनिंग के लिए भी आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जी, हर चीज़ की। मैं पहले 5 साल हमारे जैसे पुरानी खेती चलती थी सर, तो हम प्रोडक्शन नहीं ले पाते थे सर। अच्छा, तो जब से मैंने बगीचा सर संभाला, क्या वजह रहती थी उसकी? वजह सर उसमें एक तो आपके बगीचे की मेंटेनेंस जी, आपकी प्रॉपर डाइट, खाद है, स्प्रे है जी, तो ये चीज़ हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। इसकी एक टाइमिंग होती है सर जी, जैसे अगर मैंने अभी भूख लगी है तो मेरे को अभी खाना है ना, बिल्कुल, तो मतलब ये चीजें होती हैं सर इसमें ना। तो जैसे आपका सेब तुड़ान के बाद आपका स्प्रे का रोल होता है, कटिंग का रोल होता है जी, तो मतलब ये बहुत सारी चीजें, आपका न्यूट्रिशन का रोल है, खाद का रोल है जी, फिर आपका ग्रेडिंग पैकिंग का रोल है, मतलब आप किस तरीके से वो करते हैं सर। तो पहले मेरा जब से मैंने खेती संभाली है सर, मैंने कभी कम नहीं देखा सेब सर। अच्छा, तो मतलब शुरू में हमारा सेब होता था 5,000 बॉक्स, 6,000 बॉक्स, जब से मैंने सर खेती संभाली है तो हम डबल में आ गए सर प्रोडक्शन में। अच्छा, तो हम चलेंगे 10+ चलेंगे सर, 9, 10, 9, 10, 10 से 11 भी होगी सर। तो मतलब इस तरीके का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। तो यहाँ पे जैसे मौसम का भी थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बदलता रहता है मौसम, तो उसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता होगा, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं? बिल्कुल सर, मौसम का तो सर, क्लाइमेट का तो हर जगह ही है सर, हर फसल में ही सर क्लाइमेट का रोल तो रहता ही है आपका। जैसे क्लाइमेट बदलता है, बारिश है, पर फिर भी आपकी जो मेहनत है ना सर, उसका बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा। किस तरीके से आप स्प्रे कर रहे हैं, कब आपको नाइट्रोजन चाहिए, कब आपको पोटाश चाहिए, तो मतलब हर चीज की जरूरत है सर, हर चीज की। तो इसमें जैसे बारिश के साथ यहाँ पे ओले की काफी समस्या आती है, उसका क्या एक्सपीरियंस है? उसका सर ये कि सर मैंने अपने नेट लगाए हुए हैं सर, मैंने सर 2012 में नेट लगाए हैं सर। उससे पहले मैंने सर 2003 से 8 तक सर हमने बहुत ओला देखा सर, 5 साल हमने बहुत ओला, मतलब कंटिन्यू हर साल ओला आता रहा सर, हम जीरो में जाते रहे। फिर मैंने 2017 में इसराइल के लगाए, गिनगेयर के नेट लगाए मैंने सर, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ सर। इतने जो मैंने इन कंपनियों के नेट लगाए, सबसे बढ़िया सर इसमें इसराइल का नेट। क्या वजह है उसमें इजराइल के नेट में? इजराइल का नेट ये कि सर एक तो उसको चढ़ाना आसान है जी, उसका वेट कम है, और उसका दूसरा ये कि उसमें जो धूप है इंडियन नेट की अपेक्षा धूप ज्यादा आती है जी, ठीक है, और उसको आप उतार भी सकते हैं आसानी से, और उसको चढ़ा भी सकते हैं, और जो उसकी लाइफ है सर, सबसे बड़ी चीज है लाइफ जी, लाइफ बहुत ज्यादा है सर जी। और मैम सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है सर, कि लोग कहते हैं कि नेट चढ़ाने से नुकसान होता है। अगर मैं सर नेट ना चढ़ाऊँ तो मेरी टर्न में तो सर 20-25-30 लाख जैसे मेरे हर साल इन्वेस्ट होता है बगीचे में, मेरा तो 30 लाख भी खर्चा खड़ा नहीं हो पाएगा सर। और जो दूसरा डिजाइन होता है जिग जैक में आता है, रेसल बोलते हैं उसको, जो और आपने लगाए हैं जी, उसमें क्या क्या दिक्कत आती है? उसमें सर जिग जैक में एक तो सर ये कि जैसे आप बम्बू लगाते हैं उसमें बम्बू घुस जाते हैं सर। अच्छा, बम्बू उसमें सर आपका एक साल नहीं घुसेगा, दूसरे साल तो आपके 3-3, 4-4 सुराख हो ही जाते हैं सर उसमें। अच्छा, एक तो उसमें लॉकिंग नहीं है सर, सबसे बड़ी चीज है, और ऊपर से उसमें धूप नहीं आ पाती प्रॉपर, क्योंकि जिस टाइम मैंने सर नेट लगाए उस टाइम हमारे को नॉलेज नहीं थी सर। तो मतलब हमने अभी ऐसे ही नेट लगा लिया, हमारे को नॉलेज नहीं थी। अब तो बहुत, जैसे इसराइल का नेट है, बहुत बढ़िया नेट है सर। अच्छा, इसमें आपका एक तो धूप भी आ जाएगी, बीम भी तैयार होगा, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसराइल का जो नेट है इसमें, इसको आप अगर आप दूसरी कंपनी का नेट अगर आप 10-20 चढ़ाते हैं तो इसको आप 20 भी चढ़ा सकते हैं। तो मतलब इसका लेबर की बचत इसमें सर बहुत है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि लेबर की बचत बहुत है सर। और दूसरा आपका ये कि आपका नेट चढ़ाने से आपके तोतों का खर्चा बच गया, 5-5 चौकीदार लगाने पड़ते थे सर। अच्छा, ये और भी बेनिफिट है इसके, और इसका भी सर ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सर। नहीं तो इतने बगीचे में सर 5-5 चौकीदार होते थे, फिर भी सर तोते भागते नहीं थे सर। जब से हमने नेट चढ़ाई, इस चीज का भी हमारे को बहुत बड़ा फायदा, पक्षियों से भी बचाव हो जाता है, पक्षियों से भी सर बहुत बड़ा बचाव होता है सर। अब लोग कहते हैं, बाकी लोगों का सर अपना तरीका है, आप हमारे बगीचे में खड़े हैं सर, कहीं भी देखो सर आपको ग्रो टच नहीं मिलेगी, क्योंकि हम एक बम्बू के साथ सपोर्ट में सर 4-4 बम्बू लगाते हैं उसको, जहाँ ग्रो टच हुई, ये नहीं कि एक बार आपकी नेट चढ़ा दी फिर छोड़ दिया। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप मेंटेन करना पड़ता है, जहाँ ग्रोथ तो आपकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है सर, वैसे वैसे हम एक बम्बू लगा के उसको उठा लेते हैं जी,
तो जो इसराइल की नेट है उसको जितना मर्जी उठा लो तो उसमें बम्बू घुसेगा ही नहीं सर, फटेगा ही नहीं। बाकी आपकी जो देसी कंपनी की नेट है वो एक दो साल में अपना जवाब दे देगी सर। हम तो किसान भाइयों को यही बोलते हैं कि इसराइल गिन गया कि नेट लगाए सर, सबसे बढ़िया सर, अच्छा जी, नंबर वन सर, क्योंकि मैंने यूज की है सर, हम तभी आपको बोल रहे हैं सर। हमारा कोई ऐसा नहीं है सर इसमें कोई अपना नाम बनाना है या कोई वीडियो बनानी है, तो मतलब जो इसराइल की नेट है सर इस टाइम नंबर वन है सर। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे काफी ग्रोअर ये बोलते हैं कि अगर आप जाली लगा के रखोगे तो सेब का कलर अच्छा नहीं आएगा, आपका क्या एक्सपीरियंस? बिल्कुल सर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सर। तीन साल मैंने 2013-14-15 में सर मैंने अपनी नेट निकाल दी सर जुलाई में जी, तो लोगों के हम भी सुनते थे कि चलो कलर नहीं आता कलर नहीं आता, तो सर मुझे तो फिर 15 के बाद मैंने सर नेट लगा के रखी, तो मेरे को तो सर 15 में और 13 में सर 15 के बाद जो मेरा कलर आया ना वो सर 2013 की अपेक्षा बहुत बढ़िया आया सर जी, बहुत बढ़िया सर जी, जिसको बोलते हैं कि जालियों के नीचे सर कलर और भी ज्यादा आता है सर। अच्छा जी, ये लोगों की सोच है सर कि जाली लगाने से आपके कलर नहीं आता है। आप देखिए सर कि अभी किसी बंदे को लगता है हमारे बगीचे में विजिट करिए, अगस्त में आइए सर, हमारी नेट चढ़ी होती है, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि या कोई हमने आपकी पॉपुलरिटी करनी है। कब निकालते हैं आप नेट? मैं निकालता हूँ सर अक्टूबर में। अच्छा, मतलब पूरा सीजन लगा पूरा सीजन सर, इस साल मैंने 27 अक्टूबर को नेट निकालनी शुरू की है सर जी, तो पूरा सीजन हमारा सर उसमें ही निकल जाता है सर, और उसमें आपका कलर इतना आएगा कि औरों को भी हाँ हमारे आस पड़ोस में सर नेट लगे हुए हैं पर वो लोग नेट निकालते हैं, उनके कलर में और हमारे कलर में सर दिन रात का फर्क है। अच्छा, आप कभी भी विजिट करिए सर, नंद ऑर्चर के नाम से खनेटी में बगीचा है सर, बैली जगह पड़ती है सर, तो मतलब हम पिछले 15 साल से सर मैं खुद खेती कर रहा हूँ सर, खेती में सर पूरा फोकस मेरा खेती में ही है सर, तो मेरे को बहुत बड़ा फायदा मिला है सर इस चीज़ से, नेट से तो मेरे को बहुत ही फायदा मिला है सर, क्योंकि नहीं तो एक टेंशन रहती है कि अभी ओला गिरेगा अभी ओला गिरेगा, तो मतलब अब वो टेंशन थी सर वो भी हमारी फ्री हो गई है सर। तो पूरे सीजन जाली लगाए रखने से ओले से बचाव तो होता ही है, साथ ही साथ और भी क्या बेनिफिट होते हैं आपको? ओले पूरे सीजन में जाली रखने से सर एक तो आपका जो ग्रोथ होती है सर, जैसे ग्रोथ आपकी जा रही है, जाली लगाने से बेनिफिट ये है कि सर आपकी अगले साल की फसल भी सेफ है सर। अच्छा, अगर आप जाली लगाएंगे जाली से सर बीम तैयार होता है, जैसे आपकी जाली लगी है जाली से आपका बीम जो है नीचे को फटेगा सर, जितना आपका बीम फटेगा उतने आपकी फसल सेफ होगी सर। अच्छा, अगले साल की अगर आप पेड़ को खुला छोड़ देंगे वो आपका ग्रोथ में ही जाएगा, ग्रोथ में जाएगा तो सर उसमें अगले साल की फसल आएगी नहीं जी, जितना आपका पौधा ग्रोथ में जाएगा उतनी फसल आएगी नहीं, जितना पौधा नीचे को आएगा सर उतनी फसल आएगी। लोगों का कहना है सर कि जालियां लगाने से पौधे मरते हैं, हमारे बगीचे में आइए सर 60-60 साल के पौधे भी है हमारे पास सर, अभी भी सर बिल्कुल फ्रेश है सर, आप उसमें देख सकते हैं कोई टहनी नहीं मुड़ी हुई सर, कोई और चीज नहीं है सर, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा, इसमें जैसे सेब में बारिश या ओला हल्का थोड़ा बहुत भी आता है तो क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, स्पॉट बन जाते हैं, तो जाली लगाने से उसका... जाली लगाने से सर कोई स्पॉट नहीं आता है सर, आपका कलर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है सर जाली में, साइज बहुत अच्छा है सर। अगर आपका ओला आ जाता है सर तो आपका एक तो आपका सेब डेवलप नहीं करता है, और दूसरा ये है सर ओले के आने से सर 3 साल आपके वेस्ट हो जाते हैं, ये साल तो गई आपकी, अगले 2 साल तक आपका फूल आने में दिक्कत होती है सर। अच्छा, आपका बीम ही तैयार नहीं होगा सर 2 साल। अच्छा, 3 साल आपको उसको ठीक करने में लग जाएंगे, फिर जितने को आप तैयार होंगे तो 3 साल का आपका जो लॉस है वो कवर करना मुश्किल हो जाएगा सर। अच्छा जी, तो बाकी आपने और भी सारी जालियां लगाई, आप अपने एक्सपीरियंस से किसान भाइयों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? सर हम किसान भाइयों को ये बोलेंगे सर, क्योंकि हमने तो 2012-13 में सर जालियां लगा दी हैं, हम किसान भाइयों को ये बोलेंगे इसराइल का नेट लगाएं, सबसे बढ़िया गिन गियर का इसराइल का नेट लगाएं, सबसे बढ़िया नेट है सर, उसको यूज करें सर। हम ये नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे हैं सर, हमारा कोई लेन देन नहीं है सर इस चीज़ों से, क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया सर, मैं कोटगढ़ से नेट लेके आया, उधर के जो नेट के काम किए लोगों ने, लोगों को दिया कुछ बोला कुछ और दिया कुछ। सबसे पहली चीज़ है कि नेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सर। जो इसराइल की नेट है सर मैंने 17 में लगाई है सर, मेरे को 3 साल हो गए हैं सर इसराइल की नेट लगा के, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई सर। मेरा एक तो पहले मेरे 30-40 दिन लगते थे नेट चलाने में, अब वही चीज़ मेरी 20 दिन में हो रही है सर, 20 दिन की मेरी सर लेबर बच गई। फिर आपका उसमें आपका ये कि रस्सियाँ फंसने का डर नहीं है सर, आपका बम्बू फंसने का डर नहीं है, तो मतलब हर चीज़ से धूप प्रॉपर जा रही है पौधों को, हर चीज़ से मतलब इसराइल की नेट सबसे अच्छी है सर जी। इसराइल में भी सर आपकी बहुत किस्म की है, लोग बोलते हैं इसराइल की, लोगों को इसराइल की जानकारी नहीं है सर। अच्छा, इसराइल में भी सर डुप्लीकेसी बहुत है। अच्छा जी, इसराइल की भी सर गिन गया कि नेट लगाएं आप सर, सबसे बढ़िया नेट है सर।
चलिए, बाकी आपको कोई ऐसी दिक्कत हो सर हमारे बगीचे में आइए सर, देखिए मार्च में आइए सर, हम 10 मार्च से अपना नेट चलाना शुरू करते हैं, आप देखिए सर, जब मर्जी आइए सर, देखिए क्या चीज है। कनेक्ट विद अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्रीप्लस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड अ न्यू वीडियो।